हम 2023 के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल हमने कई सारे कमाल के स्मार्टफोन लॉन्चेस देखे। अगले साल 2024 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 SoC और भी AI एडवांसमेंट्स के साथ आपको नए फोन्स रिलीज होते हुए दिखेंगे। चलिए देखते हैं कि 2024 में कौन से स्मार्टफोन लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं। ध्यान रहे कि कुछ लॉन्चेस अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं, पर कुछ लीक्स के द्वारा हमें ये जानकारी मिली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब। Vivo X100 सीरीज के लिए तैयार हो जाइए, जो जनवरी 2024 में लॉन्च होने वाली है, और Vivo X100 Pro का दाम कुछ 90,000 के आसपास होने की उम्मीद है। OnePlus 12 का लॉन्च 23 जनवरी 2024 को होने वाला है। OnePlus 12 हाल ही में चाइना में लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस टैग 4,299 युआन है, लगभग 50,000 भारतीय रुपए बेस वेरिएंट के लिए, जो कि 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। OnePlus 12 R OnePlus 12 का एक अफोर्डेबल वर्जन होगा और शायद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC पर चलेगा। Redmi Note 13 का रिलीज कंफर्म हो चुका है और ये 4 जनवरी 2024 को लॉन्च होने वाला है। Redmi Note 13 सीरीज हाल ही में चाइना में लॉन्च हुई थी और इसके फोन्स की प्राइसिंग चाइना में 1,099 युआन से शुरू होती है, जो कि लगभग 13,000 भारतीय रुपए है 6 GB रैम और 128 GB वेरिएंट के लिए। साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली लॉन्च Samsung Galaxy S24 सीरीज की उम्मीद है कि ये जनवरी 2024 में लॉन्च होगी। लीक्स के मुताबिक Samsung Galaxy S24 सीरीज का लुक S23 सीरीज के समान होगा। अगले जनरेशन का गेमिंग स्मार्टफोन 9 जनवरी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 में लॉन्च होगा। ROG Phone 8 सीरीज में वेनिला ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro और ROG Phone 8 Ultimate शामिल हो सकती है। Nothing Phone 2A की उम्मीद है कि ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में फरवरी 2024 या उसके बाद लॉन्च होगी, जबकि कंपनी ने अब तक किसी भी डिजाइन या स्पेक्स के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 35,000 के आसपास हो सकती है। उम्मीद है कि Honor Magic 6 फरवरी या मार्च में अगले साल लॉन्च होगी। ब्रांड ने कंफर्म किया है कि ये हैंडसेट लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 SoC के साथ आएगा। तो ये थे आने वाले पॉसिबल स्मार्टफोन लॉन्चेस। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें गैजेट्स 360 हिंदी के साथ।